नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार सेन नव भारतीय स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर लेकर हाजिर है त्योहारों की श्रृंखला में सावन मास, श्रावण मास। आपको पता है कि श्रावण मास तो अपने आप में वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावण मास का नाम आते ही हमारे दिल में चारों तरफ उमंग, चारों तरफ एक हरियाली, एक अलग ही जो जोश हमारे मन में देखने को मिलता है। कहीं पर कावड़ियों की धूम मिलती है तो कहीं पर हरियाली नजर आती है, कहीं पर बम बम भोले के जयकारे नजर आते हैं, क्योंकि सावन मास जो है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्यारा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं सावन मास की ओर। श्रावण मास, श्रावण या सावन, जी हाँ, श्रावण कहे या सावन कहे, पहली बात तो ये कि ये जो महीना है ये भगवान शिव को समर्पित है, ये भगवान शिव को समर्पित है। देखिए, हमने पिछले महीनों में पढ़ा था देवशयनी एकादशी को, पढ़ा था कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए और वहां जाकर के राजा बलि के यहाँ पर विश्राम करने के लिए, चार महीने के लिए आराम करने के लिए रुक गए। अब ऐसी दशा में इस भूमंडल का कोई तो भार संभाले, तो उस समय पर गुरु पूर्णिमा मनाई थी। पिछले महीने में हमने गुरु जी को आदेश दिया था भगवान विष्णु ने कि आप संभाले। अब गुरु जी के साथ साथ भगवान शिव भी इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं। ठीक है, तो सावन का जो महीना है, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए सावन के महीने में आने वाले हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए इस सोमवार को वन सोमवार कहा जाता है। वन सोमवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है, प्रकृति चारों तरफ से अपनी खुशी को जाहिर करती हुई नजर आती है। ठीक है, तो हम प्रकृति के बीच में जाकर के हम भोजन करते हैं, उसी को वन सोमवार कहा गया कि भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और शाम के समय पर हम किसी ऐसे रमणीय स्थान पर जाए और वहां जाकर के भोजन करें। ठीक है, तो इसे कहा गया वन सोमवार, सावन का महीना। आगे चलते हैं, देखते हैं सावन के महीने में कौन कौन से विशेष त्योहार हमको देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम कृष्ण पक्ष की ओर, कृष्ण पक्ष की ओर बात करते हैं सबसे पहले। अगर हम कृष्ण पक्ष की बात करें सावन के महीने में, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले आती है 5 तारीख को मनाया जाने वाला त्योहार नाग पंचमी। अब नाग पंचमी को लेकर के मैं आपको थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूं बच्चों, कि हो सकता है कि आपको कई बुक्स में, कई गाइड्स में, कई वीडियोस में नाग पंचमी का ये त्योहार आपको हो सकता है शुक्ल पक्ष में भी देखने को मिल जाएगा। शुक्ल पक्ष की पंचमी के अंदर भी, शुक्ल पक्ष की पंचमी को भी भारतवर्ष में नाग पंचमी मनाई जाती है। तो फिर हम क्या करें, कृष्ण पक्ष को मनाए या शुक्ल पक्ष को मनाए, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो आपका पुटअप होता है वो किस परिदृश्य में होता है। अगर राजस्थान के परिदृश्य में अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो राजस्थान के परिदृश्य में क्वेश्चन कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी, क्योंकि राजस्थान में जो पिछले 50 वर्षों से जो नागपंचमी मनाई जाती है, मनाई जा रही है, वो सावन की कृष्ण पक्ष की जो पंचमी है उसको नागपंचमी मनाई जाती है। जबकि हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में जो नागपंचमी मनाई जाती है वो शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागपंचमी मनाई जाती है। तो इसलिए कई गाइड्स में, कई बुक्स में, कई वीडियोज में आपको हो सकता है यहाँ पर शुक्ल पक्ष में भी नागपंचमी देखने को मिले। ठीक है, इसलिए आपका भ्रम दूर किया गया है कि राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान के 30 त्योहार पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के 30 त्योहार में जो नाग पंचमी हम मना रहे हैं वो नाग पंचमी कहाँ मनाई जाएगी, सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाएगी। यही त्योहार अगर भारतवर्ष के संदर्भ में पूछा जाए तो शुक्ल पक्ष में। देखिए, सावन के महीने में बारिश, झमाझम बारिश होती है, चारों तरफ बारिश का सुहावना मौसम होता है। जब बारिश बरसती है तो पता है चारों तरफ पानी भर जाता है, पानी भरने के दौरान जो सांप है उनके बिलों में पानी भर जाता है, तो सांप अपने बिलों से बाहर निकल करके घूमना शुरू कर देते हैं, पेड़ पौधों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि घरों में भी घुस जाते हैं। तो आखिरकार
सांपों के डर से बचने के लिए कि सांप हमें परेशान नहीं करे। सांप को भी एक देव के रूप में माना गया है हिंदू धर्म में। यहाँ पर किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं, यहाँ पर चींटी को, पत्थर को, यहाँ पर हर चीज के अंदर देव माना गया है, हर चीज के अंदर देव शक्ति का रूप दिया गया है। गाय को भी देव शक्ति माना गया है, कुत्ते को भी पूजनीय माना गया है, बिल्ली को भी, बंदर को भी, यहाँ पर सभी पशु पक्षियों के अंदर भी आत्मीयता देखने को मिलती है। तो जो सांप है उनसे बचने के लिए नाग पंचमी के दिन नाग देव का पूजा किया जाता है कि सावन के महीने में जा तरफ नाग जो है बाहर आ चुके हैं बिलों से, गलती से ऐसा ना हो कि नाग हमें ढस ले। तो इसलिए इस दिन नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है, नागों को दूध से स्नान करवाया जाता है और जो सपेरे होते हैं उनसे नागों को मुक्त करवाया जाता है। इस दिन का बड़ा विशेष महत्व है, कई लोगों के जन्म कुंडली में जो कालसर्प दोष होता है, ठीक है, उनसे भी बचने के लिए इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बात करते हैं कि अब नाग पंचमी को हमने नाग देव की पूजा कर ली, लेकिन फिर भी हमें एक डर सताया हुआ है नागों का, तो उस डर को हटाने के लिए हमें निडर होना पड़ेगा। और उस निडर होने के लिए नाग के डर से दूर होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, निडर। और निडर जो है, निडर होने के लिए हमें निडर नौमी या नेवला नौमी मनाई जाती है। नागों के डर से दूर होने के लिए नवमी के दिन नेवलों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नेवलों को भी माना जाता है, पूजा जाता है, ताकि ये नेवला हमें नागों से बचाया जा सके, क्योंकि सांपों के दुश्मन कौन होते हैं, नेवले। सांपों से रक्षा कौन कर सकते हैं, नेवले। तो इस दिन निडर होकर के नेवलों को भी पूजा अर्चना की जाती है, तो इसको निडर या नेवला नवमी के नाम से भी जानते। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, तो आगे आती है 15 तारीख, और 15 तारीख मतलब 15वीं तिथि, और इस दिन आती है अमावस्या, और इस अमावस्या को जो कहते हैं वो कहते हैं हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या, हरियाली। पता है चारों तरफ प्रकृति में जब हरियाली छाई हुई है, सावन का महीना है, चारों तरफ हरियाली है, मन में भी उमंग है, तो उसे उस समय आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कही जाती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा होती है, खीर माल पे बनते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं महिलाएं, और हरियाली अमावस्या को मनाते हैं, माल पे का भोग वगैरह लगाते हैं पीपल के अंदर, और हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। तो हमने पढ़े सावन महीने के अंदर कृष्ण पक्ष में आने वाले त्योहार नाग पंचमी, निडरी नवमी और हरियाली अमावस्या। निडरिया नेवला नवमी और हरियाली अमावस्या, तो हमने ये तीन व्रत पढ़े कृष्ण पक्ष में। चलते हैं शुक्ल पक्ष की ओर, तो शुक्ल पक्ष में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आती है दूध, और दूध को मनाया जाता है, वो मनाया जाता है सिंजारा। मैंने बताया था कि राजस्थान में सिंजारा जो है उसका बड़ा महत्व है, और सिंजारा दो बार मनाया जाता है, एक बार गणगौर से पहले और एक बार तीज से पहले। नवविवाहिताओं का सिंजारा आता है, ठीक है, या फिर यूं कहे कि ऐसी कन्याएं जिनकी शादी होने वाली है, सगाई हो चुकी है, उनका भी सिंजारा भरा जाता है, ठीक है। तो सिंजारा जो पर्व है वो तीज से एक दिन पहले मनाया जाता है और गणगौर से एक दिन पहले मनाया जाता है। जिस प्रकार से दशहरे दो दिन मनाए जाते हैं, एक गंगा दशहरा और एक रावण जिस दिन मरता है वो दशहरा, ठीक है, उसी तरह से सिंजारा भी दो दिन मनाया जा रहा है, एक तीज का सिंजारा और दूसरा गणगौर का सिंजारा। तो ये कौन सा सिंजारा है, तीज का सिंजारा है। इस दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती है, नए वस्त्र पहनती है, और घेवर जो पकवान है स्पेशली घेवर और फीनिया जो होती है इस टाइम पे खाई जाती है। अच्छा आगे बात करते हैं तीज, मैंने बताया था कि तीज जो है यहां से ये मान के चलो आरपीएससी का बहुत लाडला टॉपिक है, बहुत लाडला क्वेश्चन है, तीज के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना ये छोटी तीज है, कौन सी तीज है, छोटी तीज है।
ये जो तीज है इसे छोटी तीज कहते हैं और इस छोटी तीज को श्रावणी भी कहते हैं, क्योंकि सावन के महीने में आ रही है तो क्या कहते हैं इसको, श्रावणी भी कहते हैं। और इस दिन महिलाएं जो होती हैं वो एक स्पेशल परिधान लहरिया, जिसमें इस तरह की जो लहरें बनी हुई होती है, और साड़ी में इस तरह की जो लहर बनी होती है उस लहर बने होने के कारण इसका नाम क्या है, लहरिया है। और जो रंग बिरंगा होता है, कलरफुल साड़ी होती है, कलरफुल यूनिफॉर्म होती है, एक पोशाक होती है, इसलिए उसको लहरिया कहते हैं। तो तीज जो है, तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, तो सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसको छोटी तीज भी कह सकते हैं, इसको श्रावणी भी कह सकते हैं, ठीक है। और लहरिया, तो जैसे कि मैं बता चुका कि यहां से त्योहारों की शुरुआत होती है, गणगौर त्योहारों को समापन की ओर लेके जाती है और तीज जो है वो त्योहारों को लेके आती है। तो त्योहारों की जो शुरुआत हो रही है वो तीज से होती है, क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में, और इसके बाद में है वही पंद्रहवीं तिथि। तो यहां पर पंद्रहवीं तिथि क्या कहलाएगी, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा। मैंने बताया था पूर्णिमा का बड़ा योगदान है, ठीक है। तो इस पूर्णिमा की अगर बात करें तो ये पूर्णिमा रक्षाबंधन है, भाई बहन का जो पवित्र त्योहार है वो है रक्षाबंधन, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। वैसे तो रक्षाबंधन जो है वो आपको पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर मनाया जाने वाला त्योहार है, ठीक है। श्रावण कुमार से जुड़ा हुआ पर्व भी है ये पूर्णिमा। रक्षाबंधन जो है वो इतिहास से जुड़ा पर्व भी है। आपको पता है कि बहादुर शाह के आक्रमण के समय जो मेवाड़ की जो रानी थी उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने उस राखी के वचन को निभाने में देर कर दी और जब तक वो पहुंच पाता तब तक पानी सर से ऊपर हो चुका था, ठीक है। तो ये जो राखी है, ये जो रक्षाबंधन है, ये श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है ये पर्व। तो ध्यान रखना ये ऐतिहासिक तौर पर भी और धार्मिक तौर पर भी दोनों तरह से महत्व रखता है। आगे बात करते हैं कि इस दिन अमरनाथ यात्रा का भी संबंध है। अमरनाथ जो यात्रा जो है इस दिन समाप्त होती है, अमरनाथ यात्रा का समापन होता है। अमरनाथ यात्रा कश्मीर में जो कि बर्फ से बनने वाला एक प्राकृतिक शिवलिंग है, अमरनाथ बर्फ से बनने वाला एक प्राकृतिक शिवलिंग है। हमने इससे पहले सावन से पहले जो आषाढ़ की पूर्णिमा पड़ी थी उस समय पर यात्रा शुरू होती है, ठीक है, और इस समय पर यात्रा संपूर्ण हो जाती है श्रावण की पूर्णिमा के, ठीक है। तो हमने सावन के बारे में, कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी, नागों से बचने के लिए निडरी नेवला नवमी, और बाद में मनाई हरियाली अमावस्या। शुक्ल पक्ष में हमने सबसे पहले मनाया सिंजारा और सिंजारे के बाद में तीज। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि कई प्रदेशों में, राजस्थान में भी हो सकता है किसी क्षेत्र विशेष में, या कई जगह पर राजस्थान में भी नाग पंचमी शुक्ल पक्ष में मनाई जा सकती है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको कृष्ण पक्ष में शामिल करेंगे। और बात कर रहे हैं कि पंद्रहवीं तिथि पूर्णिमा, तो इस दिन रक्षाबंधन और उस दिन अमरनाथ यात्रा समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले महीने भाद्रपद के साथ, क्योंकि अब त्योहारों की अभी तो शुरुआत है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।